तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में स्वागत है। दोस्तों आज जो है मीटिंग थी शिक्षक संकुलों प्रधान अध्यापकों के बारे में और शिक्षकों के बारे में मीटिंग थी। एसआरजी एआरपी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पहले से ही था कि आज मीटिंग है। तो 16 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को शिक्षक संकुल को जो मीटिंग संबंधित क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो या तो फिर आप यूट्यूब पे मिशन प्रेरणा पे जाके आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या बिंदु हैं, लेकिन अगर आप वो वाला वीडियो आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पूरा सब कुछ एक घंटा 10 मिनट का सेशन है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो देखिए भैया, इसमें चार चीज़ों के बारे में जिक्र है। उपचारात्मक शिक्षण गुणवत्ता यूनिट से संबंधित इनिशिएटिव, शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022, उपचारात्मक शिक्षण की समझ और प्रभावी क्रियान्वयन, उपचारात्मक शिक्षण में प्रधानाध्यापकों की भूमिका। तो ये चार चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ भाई साहब। इसके बाद देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो इसमें शुरू से बात की गई, चलिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक का जो है बात की गई, भी मैं दिखाता हूँ स्लाइड्स के रूप में। तो भैया सबसे पहले तो उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले जान लो उपचारात्मक शिक्षण क्या है। देखिए मैं ज़्यादा तो एलिब्रेट नहीं कर पाऊँगा, जो स्लाइडें चली हैं मैं उन्हीं की कॉपी दे पा रहा हूँ। क्यों भाई उपचारात्मक शिक्षण क्या है, किस बारे में है और क्यों देना है और कैसे देना है, इसी के चीज़ के बारे में है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण को पता ही है कि क्या है। ठीक है, भाषा और गणित संबंधित है। क्यों है, क्योंकि कोविड के कारण जो बच्चे पिछड़ गए उसके लिए है। कैसे है, इसके लिए मॉड्यूल्स दिए गए हैं, अभी बताता हूँ अगली स्लाइड में। ठीक है, तो कक्षा 1 के लिए बुनियादी शिक्षा भाषा गणित के लिए देखिए क्या है। संलग्नक 1 के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 का प्रयोग करिए और संदर्शिका में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका का उपयोग करें। कक्षा में गतिविधि करवाने हेतु प्रिंटेड सामग्री व छात्रों की रीडिंग प्रैक्टिस के साथ सहज पुस्तिका 1 का उपयोग करें। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। तो कक्षा 1 और 2 के बारे में जान लीजिए। कक्षा 1-2 के बारे में अगर हम बात करें तो कक्षा में भाषा गणित उपचारात्मक शिक्षण हेतु समृद्ध मॉड्यूल का उपयोग करें और समृद्ध मॉड्यूल में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका का उपयोग करें। ठीक है, कक्षा में गतिविधियाँ करवाने हेतु प्रिंटेड सामग्री और छात्रों की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए सहज पुस्तिका 1, 2, 3 के बच्चों के स्तर के अनुसार उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से 22, तो इसके बारे में देखिए कक्षा 4 व 5 के बारे में आप देख लीजिए। कक्षा 4 व 5 के कक्षा भाषा गणित उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता दें और आगे देखिए। कक्षा शिक्षण में कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिका का उपयोग करें, अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें। ठीक है, ये कक्षा 4-5 के लिए था। अब देख लीजिए कक्षा 6-8 के लिए क्या है। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा गणित के उपचारात्मक शिक्षण पर दें। उपचारात्मक शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का प्रयोग करें। ठीक, कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तक नवीन कार्यपुस्तिकाओं का प्रयोग करें, अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें। तो ये हो गई बात, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गई आपकी शैक्षिक योजना मार्च 2021 से 22 के बारे में, आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों को रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से सीखने की गति की तारतम्यता लाना तथा सभी बच्चों को कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चों के लिए लर्निंग लॉस को कम किया जा सके। ये लक्ष्य हम सबको मिलकर हासिल करना है, हम सब मिलकर बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। ठीक है, इससे जुड़ी स्लाइड सेट के मैंने बहुत 1 घंटा 10 मिनट का है, तो आप क्या सोच रहे हैं मैं सब कुछ नहीं बता सकता, आप लोग को वीडियो देख लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रिमीडियल कार्य योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो है रिमीडियल कक्षा के लिए समूह कैसे बनाएं और समूह की आवश्यकता क्यों है, बच्चों के समूह का बदलाव कैसे करें
और समूह के अनुसार प्रत्येक बच्चे का आकलन कैसे करें, शिक्षण उद्देश्य कैसे बनाएं और सभी बच्चों की प्रतिभागता कैसे सुनिश्चित करें, उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहित करें। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ऐसे ही है, आप अगर इसके बारे में अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो बताई गई इसके अंतर्गत, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुस्तरीय बहुग्रेड, ठीक है, किसी एक अच्छा अलग अलग स्तर के बच्चों की आवश्यकता अनुसार किस प्रकार कार्य करें, क्या बच्चों को एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के साथ बैठाया जाए, क्या बच्चों को अपने स्तर के बारे में जानना चाहिए या उन्हें बताएं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे के शिक्षण कैसे सुनिश्चित करें, सीखने के लिए आकलन व फॉर्मेटिव कैसे करें, तो ये सब चीज़ों के बारे में विस्तृत काफ़ी बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कक्षा प्रबंधन की बात है, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आप सेशन नहीं तो इसका PDF भी जल्दी ही आएगा और मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कक्षा प्रबंधन से ही संबंधित है। कार्य योजना, दैनिक शिक्षण कार्य योजना, समय और कालांश नियोजन कैसे बनाएं, किस प्रकार गतिविधियां करें, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कार्य पत्रक और उपलब्ध अन्य संसाधन का उपयोग क्यों और कैसे करें, ठीक है। आगे चलते हैं, अभिभावकों की भूमिका, अभिभावकों को घर में अकादमिक सहयोग कैसे जोड़ें, अभिभावकों का सुझाव कैसे दें, अभिभावकों के सहयोग और जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार कार्यविधि करें, ठीक है। तो ये इस पे भी काफ़ी डिटेलिंग की गई है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे है उपचारात्मक शिक्षण के प्रभाव अधिकतम कैसे करें, तो ये है कक्षा के आधार पर बच्चों के साथ रिमेडियल बाहु शिक्षण कार्य करना, नियमित तौर पर बच्चों की सीखने के आकलन करना, जो बच्चे पीछे उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना, बच्चों के घर पर सीखने और उनकी नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों के साथ संवाद करना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी। अब आगे चलते हैं उपचारात्मक भाषा शिक्षण के बारे में, भाषा सभी कौशलों को व्यवस्थित तरीके से कार्य, पहले मौखिक भाषा पर कार्य करें, कक्षा में उपलब्ध अलग अलग सामग्री का प्रयोग बच्चों की भागीदारी के मौके दें, फिर बच्चों को डिकोडिंग और पठन कौशल पर कार्य करें, वर्ण अक्षर शब्द पढ़ने पर जोर, छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास अलग अलग तरीके से बच्चों के अभ्यास के मौके मिले, नंबर 4 लेखन कौशल का मौखिक भाषा और डिकोडिंग के साथ साथ करें, बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव के जरिए उत्साहवर्धन और माहौल बनाए रखना, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, भाषा के लिए उपचारात्मक शिक्षण है, फिर आगे सोचिए के बारे में है, इसके बारे में भी मतलब हर चीज़ बताया गया। आप एक पहाड़ी पर यात्रा कर रहे हैं और आपका एक साथी पैर फिसल गया है, वो खाई में गिरकर लटक गया, आप उसकी मदद कैसे करेंगे, चीख चीख कर गिरने वाले के ऊपर आने को उत्साहित करेंगे, समय के हालात के साथ दोष मार देंगे, गिरने वाले का अफसोस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फौरन आसपास वालों को जमा करेंगे, गिरने वाले को ऊपर उठाने की रस्सी डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप क्या करेंगे आप बताइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नीचे गिरना कोडिंग कोविड के कारण जो है बच्चों का सीखने की हानि, नीचे गिरा व्यक्ति हमारे सभी बच्चे, रस्सी उपचारात्मक शिक्षण है और मिलकर ऊपर खींचने वाले लोग, रस्सी खींचने सबसे पहले आगे बढ़ा, जो सभी निर्देश भी दे रहा है हमारा स्कूल टीचर, तो इस कहानी के जरिए देखो कई कई चीज़ें दिखा रही हैं, ने जो नीचे गिरना मतलब कोविड के कारण बच्चों की हानि हो गई, नीचे गिरा व्यक्ति हमारे बच्चे हैं, रस्सी क्या उपचारात्मक शिक्षण है, मिलकर ऊपर खींचने वाले शिक्षक माता पिता और ये ऊपर बैठे हुए हैं और जो बैठा हुआ है निर्देश दे रहा है वो हमारा स्कूल का टीचर है, बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक कमांडर के रूप में भूमिका, ठीक है, कम्युनिकेटर या संवाद का, विद्यालय में सभी के साथ बच्चे शिक्षक समुदाय उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता और महत्व चर्चा करना, मोटिवेशन, शिक्षकों व विद्यार्थियों के अच्छे कार्यों परस्पर सराहना करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करें, विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक मिशन बनाएं, ठीक है। डायरेक्शन, दिशा निर्देश, विद्यालय में उच्चारात्मक शिक्षण लागू करने का एक रोड मैप बनाएं और उसके अनुसार त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक स्तरीय योजनाएँ बनाएं, ठीक है। प्लानर, योजना निर्माणकर्ता, बच्चों के लर्निंग गैप स्तर को समझें और उनके अनुसार शिक्षकों के साथ मिलकर सही शैक्षिक दृष्टिकोण आधारित योजनाएं बनाएं, शिक्षकों के साथ उपचारात्मक शिक्षण कक्षा कक्ष स्तर पर लागू करने हैं तो कौन सी योजना प्रभावी और कौन सी नहीं, इस पर निरंतर विश्लेषण करने के लिए चेक इन करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रधान अध्यापक के लिए। आगे चलते हैं, इसके और देख लेते हैं,
रिसोर्स प्रोवाइडर विभाग द्वारा भेजी गई टीएलएम सामग्री हैंडबुक कैश सॉरी कैशबुक नहीं वर्कबुक जैसे ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तक आधारशिला और संबंधित हस्तपुस्तक आदि का उपयोग करें। मोबिलाइजर संगठनकर्ता अभिभावकों एसएमसी सदस्यों इस प्रकार सम्मिलित करने के लिए संगठित रहें। अभिभावकों में बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और एसएमसी के सदस्यों की सहायता लें। विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करें। तो ये एक देखिए अच्छा सा एक मैप बन गया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया नीचे गिनना, ये कहानी लगभग चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। अब ये देख लिए उपचारात्मक शिक्षण केवल किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना नहीं होता है। देखिए इन्होंने ग्रुपिंग कर दी है, तीन तीन ग्रुप बने हुए, इसे ग्रुपों में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। काफ़ी बढ़िया से बताया गया, इसमें भी देख लीजिए टीचर लोग आपस में सलाह कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को क्रियान्वयन करना है, कैसे एक दूसरे से सलाह करके चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए मीटिंग चल रही है इस विद्यालय समुदाय की और ये देखिए यहाँ लाइब्रेरी वाला रूप लिखा हुआ है, ये लाइब्रेरी का रूप है। तो काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह प्रभावी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये 10 मिनट में एक घंटे 10 मिनट का निचोड़ कैसे दे सकते हैं। आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और कोशिश की है कि चीज़ों को एलिबोरेट तो नहीं कहूँगा लेकिन मुख्य पॉइंट बताए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो से, तब तक तो बने रहे सर। नमस्कार दोस्तों।